हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स लास्ट मंथ के, तो और मिसाल इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो पंकज कुमार सिंह ने कार्यभार संभाला। सेकेंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई का अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस के रूप में घोषित किया। यह निर्णय इस विचार के साथ लिया गया था कि यह दिन विभिन्न संस्कृतियों, देशों और धर्मों के लोगों के बीच दोस्ती का बंधन बनाएगा और विभिन्न समुदायों के बीच सेतु बनाकर विश्व शांति प्राप्त करने में मदद करेगा। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के केंद्र के रूप में कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कराईकाल बंदरगाह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पुडुचेरी में स्थित है। इसको विस्तार पूर्वक अगर हम जाने तो है कि पोर्ट शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय ने कराईकाल पोर्ट जो कि पुडुचेरी में और कांकेसुथुराई पोर्ट जो कि श्रीलंका के बीच यात्री शिपिंग शुरू करने के लिए पुडुचेरी और श्रीलंका सरकार से प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद एक समिति का गठन किया, जो कि 2011 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस संशोधन के प्रावधान के तहत पुडुचेरी सरकार और सरकार श्रीलंका ने भारत की केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे। इन दोनों बंदरगाहों के बीच यात्री शिपिंग के लिए फेरी सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किंग लियर लिमिटेड द्वारा भेजा गया है। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन है, नौसेना स्टाफ के वर्तमान उप प्रमुख कौन है? तो वाइस एडमिरल SN गोरमडे प्रमुख वर्तमान उप प्रमुख हैं। इसके नोट्स देखते हैं अगर, तो 31 जुलाई 2021 को सुबह साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में एक औपचारिक समारोह आयोजित किया गया था। इस बैठक में वाइस एडमिरल SN गोरमडे AV SMNM ने वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार PVSS AVSS VSS ADC ने वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो ये 1 अगस्त को मनाया गया। अगर इसे विस्तार से जाने तो 1 अगस्त को देश भर में पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। यह दिन ट्रिपल तलाक, 3 तलाक के 2 साल पूरे करने के खिलाफ कानून के अधिनियम का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के अनुसार सरकार ने 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक मीन्स 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया और इस कानून ने ट्रिपल तलाक के सामाजिक कदाचार को आपराधिक अपराध बना दिया। यह कानून मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक बुराई की बेड़ियों से मुक्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसका उन्हें तलाक की शर्तों के रूप में सामना करना पड़ा। फ्रेंड्स, 6 क्वेश्चन है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो PV सिंधु पहली भारतीय महिला है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले मंथ का ही है। इसका अगर इसे विस्तार से जाने तो PV सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्होंने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता जो कि रियो ओलंपिक 2016 में, एक रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल। उसने चीन के ही बिंग जियो को हराकर टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीता। PV सिंधु हैदराबाद तेलंगाना की रहने वाली हैं। उनके निजी कोच पार्क ताए संघ है और बैडमिंटन के राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद है।
उन्हें 2020 में पद्मभूषण पुरस्कार मिला। उन्हें 2016 में पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2013 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। सेवन क्वेश्चन है, स्टार्टअप और MSME को क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने IIT मुंबई के साथ सहयोग किया है? तो इंडियन बैंक ने सहयोग किया है। अगर इसे विस्तार पूर्वक जाने तो स्टार्टअप और MSME के ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक और IIT बॉम्बे के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहला IIT बॉम्बे द्वारा लागू की गई है। इस पहल का नाम सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप रखा गया है। इस पहल के तहत इंडियन बैंक इन स्टार्टअप्स को 50 करोड़ रुपये तक का कर्ज देगा। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने COVID-19 को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान मींस ग्रैप लागू किया? तो दिल्ली ऐसा राज्य जिसने ये प्लान लागू किया। अगर इसे विस्तार पूर्वक देखें हम तो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने दिल्ली में COVID-19 को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू किया और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार किया गया। इसमें रंग कोडित अलर्ट के 4 स्तर है। लेवल 1 येलो अलर्ट, यह अलर्ट लगातार 2 दिनों तक सकारात्मकता दर 0.5% से ऊपर रहने पर लागू होगा। लेवल 2 एम्बर अलर्ट, यह तब लागू होगा जब 2 दिनों के लिए सकारात्मक दर 1% से अधिक होगी। 9th क्वेश्चन है, किस संगठन ने क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस रिपोर्ट जारी की है? तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने यह रिपोर्ट जारी की है। अगर इसे विस्तार पूर्वक देखें तो हिंद महासागर अन्य महासागरों की तुलना में उच्च दर से गर्म हो रहा है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की नवीनतम रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारत में गर्मी की लहरों और बाढ़ में वृद्धि होगी जो जलवायु परिवर्तन के अपरिवर्तनीय प्रभाव होंगे। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की 6th आकलन रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस ने कहा कि समुद्र के गर्म होने से समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी जो अधिक लगातार और गंभीर तटीय क्षेत्रों में योगदान देगा। निचले इलाकों में बाढ़ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह निर्विवाद है और कि मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, भारतीय सेना और रूसी सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 21 का स्थल क्या है? तो वोल्गाग्राड इसका स्थल है। अगर इसे विस्तार पूर्वक जाने तो भारत और रूसी सेना के बीच एक 13 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास 1 अगस्त से रूस में स्थित वोल्गाग्राड शहर में आयोजित होने वाला है। भारतीय और रूसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम इंद्र है। निर्धारित अभ्यास इंद्र का 12वां संस्करण है और इसे इंद्र 21 नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक किसने जीता? विक्टर एक्सेलसन ने जीता। इसके नोट्स देखते हैं, विक्टर एक्सेलसन ने 2 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। वह डेनमार्क से संबंधित है। उन्होंने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2016 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले चीन के सेन लॉन्ग को हराया। विक्टर एक्सेलसन ने 2017 विश्व चैंपियन और 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता है। वह विश्व जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाले पहले यूरोपीय खिलाड़ी बने। उन्होंने 2010 में कोरिया के कोंग जी वूक को हराया और विश्व जूनियर चैंपियनशिप में जीती। नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा सिम बाइंडिंग शुरू की है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने यह सुविधा आरंभ किया है।
नेक्स्ट हम अपना 13 फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे करंट अफेयर्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। 13 क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने अपने अभिनव प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण प्राप्त किया है? तो खादी और ग्रामो उद्योग आयोग ने यह पंजीकरण प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, इसका पहले हम एक व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रकृति से प्लास्टिक के खतरे को कम करने के लिए विकसित अपने अभिनव प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज के लिए पेटेंट पंजीकरण प्राप्त किया है। पेटेंट प्रमाण पत्र के कुमार रप्पा, नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर और पेटेंट नियंत्रक भारत के बौद्धिक संपदा नियंत्रण द्वारा जारी किया गया था। प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज विकसित करने का विचार वर्ष 2018 में सितंबर में आविष्कार किया गया था और केवल 2 महीने में यानी नवंबर 2018 में परियोजना को KNHPI के वैज्ञानिक की टीम द्वारा क्रियान्वित किया गया था। फ्रेंड्स, एक मुख्य बिंदु मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो है हाल ही में अमित शाह ने न्यू सेंट्रल के तहत इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर एग्ज़ाम्स में पूछा भी जा सकता है, इसलिए मैंने आपके लिए ये नोट्स के तौर पे आपके लिए वीडियो में मैं लेकर। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।